नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं खरवार जनजाति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम खरवार जनजाति के उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। खरवार जनजाति, खरवार या खैरवार जनजाति झारखंड की पांचवीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो इसको याद रखिएगा, झारखंड की पांचवीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति खरवार जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पलामू और लातेहार में इस जनजाति को 18,000 कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। पलामू और लातेहार में इस जनजाति को 18,000 कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में इसका मुख्य जमाव पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में है। तो खैरवार जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पलामू, लातेहार और गढ़वा जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, और ये खुद को सूर्यवंशी राजपूत के वंशज मानते हैं। तो खरवार जनजाति क्या एक लड़ाकू प्रवृत्ति की जनजाति है, और वे खुद को सूर्यवंशी राजपूत के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। दोस्तों, हर जनजाति का जो प्रजातीय समूह है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खरवार जनजाति का संबंध क्या है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका पारंपरिक पेशा खैर वृक्ष से कत्था बनाना है। खैर वृक्ष से कत्था निकालना इन लोगों का पारंपरिक पेशा है, लेकिन आजकल दूसरे पेशा में भी दूसरे जनजातियों की तरह ये लोग भी आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवार जनजाति की उपजातियाँ। दोस्तों, खरवार जनजाति में कुछ उपजातियाँ बन गई हैं, तो वो कौन कौन हैं? भोक्ता, माझी, राउत और महतो। तो ये चार उपजातियाँ बन गई हैं खरवार जनजाति की, भोक्ता, माझी, राउत और महतो। खरवारों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं। दूसरे जनजातियों की तरह खरवार में क्या होता है? युवा गृह नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवारों में बहुविवाह और विधवा पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है। खरवारों में बहुविवाह करने की, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा पाई जाती है, तथा विधवाओं की पुनर्विवाह की भी प्रथा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा कहलाता है। जो खरवार ग्राम का पंचायत का प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? मुखिया या बैगा कहा जाता है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार गांवों की पंचायत को चट्टी का हल कहते हैं, और पांच गांवों के पंचायत को पंचोरा कहते हैं। ये सब एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चार गांवों के पंचायत को चट्टी और पांच गांवों के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है खरवार जनजाति में। इसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। दोस्तों, इसके बाद खरवारों के धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। खरवारों का जो सर्व प्रमुख देवता है वो कौन है? सिंगबोंगा। खरवारों का सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। अन्य देवी देवता कौन है? मुचुक रानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मुचुक रानी, द्वारपार, धरती माई, देवी चंडी, दरहा, दक्षिणी आदि। खरवारों के धार्मिक प्रधान या पुजारी बैगा कहा जाता है। दोस्तों, मुखिया को भी बैगा कहा जाता है, साथ ही साथ खरवारों का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको भी बैगा कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।